इंदौर के पास पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार तड़के लुटेरे ने एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी। पहले उसने एटीएम के बाहर लेटे हुए गार्ड के सिर में किसी भारी चीज से वार किया। खून से लथपथ होने के बावजूद गार्ड लुटेरे से भिड़ गया। हालांकि बाद में बदमाश ने गमछे जैसे कपड़े से गार्ड का गला घोट दिया। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में अज्ञात आरोपी कपड़े बदलते हुए दिख रहा है। अभी वह फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल पीथमपुर के महू नीमच हाईवे स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर यहां सनसनीखेज वारदात हुई। यहां सुरक्षा गार्ड के रूप में 55 वर्षीय गजराज सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तैनात थे। शुक्रवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच एटीएम पर लूट की नियत से अज्ञात बदमाश आया। आरोपी ने एटीएम के बाहर लेटे गजराज सिंह पर वार कर गंभीर घायल कर दिया, फिर उसे खींच कर अंदर ले गया, जहां काफी संघर्ष के बाद आरोपी ने कपड़े से गार्ड का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घायल होने के बाद भी बहादुर से लड़ते हुए गार्ड ने एटीएम को लूटने से बचा लिया। इसी बीच सूचना पर पुलिस पहुंच गई तो आरोपी फरार हो गया। सुबह जब लोगों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने महू नीमच हाईवे पर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। पीथमपुर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सरगर्मी से आरोपी की तलाश कर रही है। 3:22 में एक अज्ञात व्यक्ति घुसा और सिक्योरिटी गार्ड गजराज सिंह के पहले सर में मारा और उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसमें चूंकि वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे, हाउसिंग बोर्ड के रहवासी और लोगों ने आके यहाँ विरोध स्वरूप चक्का जाम किया। उनकी समझाइश दी गई और चूंकि अज्ञात मर्डर है और पुलिस इसमें लगी हुई है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पुलिस को जैसी सूचना मिली विद इन रिस्पांस टाइम फाइव मिनट में पुलिस की मोबाइल यहाँ पहुँच चुकी थी। हम लोग लगे हुए हैं मर्डर को ढूंढने में, मर्डर को ज्ञात करने में और उसके परिवार जनों के लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में प्रशासन, बैंक और सिक्योरिटी एजेंसी उनसे चर्चा कर उसे आर्थिक सहायता के लिए। हत्या की मुख्य मंशा क्या रही सर? क्या चोरी है कि और कोई मंशा के कारण हत्या हुई है? हत्या के बाद उसने एटीएम काटने का प्रयास किया है, इसलिए हत्या उसका मकसद था कि बैंक से पैसे लूटने, चोरी करने का और या लूटने का।